अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक सवाल करते हैं कि मिस ऑनलाइन अर्निंग कहाँ से कर सकते हैं हम। ऑनलाइन अर्निंग मतलब कि घर बैठ के हम कुछ काम करना चाहते हैं जिससे हमारी कमाई हो सके, कुछ हासिल हो सके और हम घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है हमें। तो ऐसा कोई काम बता दें जो ऑनलाइन अर्निंग घर बैठ के हो सके। तो जनाब, ऑनलाइन अर्निंग का नाम आपने इससे पहले कब सुना था? मतलब पिछले 2-3 सालों में जब से कोविड आया है सिर्फ उसी वक्त आप लोग ये नाम सुनते हैं, ऑनलाइन अर्निंग या वर्क फ्रॉम होम। वो इसलिए था क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग उस वक्त कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था, जो कि 1-2 महीने नहीं बल्कि कोई 1-8 साल के लिए बंद हुआ था। तो इसलिए वहाँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ काम होता है, जाहिर है सब घर बैठेंगे तो फिर खाएंगे क्या, तो इसलिए लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया था। ऑफिस वर्क जो हो गया था वो डिजिटलाइज यानी घर बैठ के काम होता था, ठीक है? तो इसको ऑनलाइन अर्निंग या वर्क फ्रॉम होम कहते थे। लेकिन जैसे जैसे कोविड खत्म होता गया, जहाँ जहाँ से वहाँ से ये ऑनलाइन अर्निंग वर्क फ्रॉम होम का काम खत्म हो गया, ठीक है? लेकिन माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो भी हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई, उन्होंने फिर इसका 2 नंबर तरीका भी निकाला, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि 2 नंबर काम इससे पहले भी हुआ करते थे, 15-20 सालों से वो 2 नंबर काम चल रहे हैं जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किए हुए हैं। तो वही लोग अब नाम बदल बदल के आ रहे हैं, आपको एक अदद चूरन बेचते हैं कि आप ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे तो आपको हफ्ते की अर्निंग होगी। मतलब महीने का भी हिसाब नहीं देते, वो आपको हफ्तों का देते हैं कि आपको हफ्ते में आपको $2,000 मिल जाएंगे, $1,500 मिल जाएंगे, $1,000 मिल जाएंगे। मतलब जिनके डॉलर हैं उनको भी नहीं मिलते हफ्ते में। तो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतने पैसे कहाँ से आएंगे, जिनके पास अपने डॉलर्स ही नहीं है तो वो कहाँ से आएंगे, ये भी सोचने की बात है ना। थोड़ी अकल से काम लिया करें। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कि वो अपनी तरफ से वो काम ठीक है, 2 नंबर कर रहे हैं, 1 नंबर कर रहे हैं, वो शायद अपनी तरफ से अपनी नीयत उनकी साफ हो या क्या हो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहती। बट ऐसा कोई काम इस दुनिया में नहीं है कि आपको हफ्तों में $1,000 मिले, ठीक है? इवन हफ्तों में आपको पाकिस्तानी रुपए भी हजारों कोई नहीं देगा हफ्तों के हिसाब से, ठीक है? ये बात तो आपको खुद भी पता होगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, असाइनमेंट वर्क है, आपने इतना इन्वेस्ट करना है और आपको ये काम मिल जाएगा, देखिए 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है? तभी वो आपको इतने सारे लोगों को जमा करने को बोलते हैं, कहते हैं आप इसको दूसरों तक फैलाएं, आप इसको आगे प्रमोट करें, आपकी वजह से किसी का फायदा हो जाएगा। और वो आपको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आप हर तरह से उनकी बात मान लें, ठीक है? आपकी मर्जी है, आप अल्लाह ने आपको अकल दी है, आप सोचें समझें और उस हिसाब से काम करें नहीं करें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं ये सब देख चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। 2 दिन पहले अभी मैंने अपने व्हाट्सएप पे एक चीज़ चलाई थी, मुझे किसी ने लिंक शेयर किया था कि मैं इस पर साइन अप करें, अर्निंग शुरू हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसी एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने कर दिया। हालांकि मुझे पता था कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई इतना पागल नहीं है जो इतने $1,000 मुझे जस्ट सिर्फ साइन अप करवाने पर मिल जाए। मैंने वो लिंक शेयर किया अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है? और मैंने सबको बोला कि मैं ये सिर्फ चेक कर रही हूँ, अगर फायदा होगा तो मेरा भी होगा और आप लोगों का भी होगा, अगर फायदा नहीं होगा तो ना मेरा होगा ना आपका होगा। तो हमने वो चीज़ की, 1 घंटा बैठ के मैंने ये साइन अप करवाया अपना, 1 घंटा वेस्ट किया उसमें। उसके बाद उसकी सारी आ गई अर्निंग शर्निंग आ गई, जब वो मैंने कैश आउट करवाया उस वेबसाइट पे, तो वो कैश आउट हो गया, विदड्रॉल हो गया, लेकिन मेरे अकाउंट में कुछ नहीं आया, ठीक है? तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो क्या था, ठीक है ना? तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ये कंपनीज हैं ना, सारी की सारी इनके अबाव अजदाद जहाँ से शुरू हुए थे ना, मैं उनको भी जानती हूँ, ठीक है ना? मैं उनके साथ मैंने किया हुआ है काम, तो ये उन्हीं के बेबीज हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बेबीज। आपको आगे चूरन देते हैं, एक अदद फक्की देते हैं कि ये लीजिए और आपका ये काम हो जाएगा, करें आप, करके देख लें, एक्सपीरियंस करके देख लें, जैसे मैंने भुगता है वैसे आप भुगत के देख लें। बस ये होगा आपका टाइम वेस्ट होगा, 4 पैसे आने की जगह 8 पैसे जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको समझा सकूँ कि ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ एक तरह से होती है, ठीक है? या आप ऑनलाइन अर्निंग गूगल करेंगे आपको 10,000 चीज़ें मिलेंगी, यूट्यूब करेंगे आपको अरबों वीडियोस मिलेंगी, लेकिन इनमें से कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है? हाँ, ये गूगल एडसेंस ठीक है,
एडसेंस वही काम करता है जिस तरह आपको यूट्यूब से अर्निंग होती है, जिस तरह आप वेबसाइट्स बनाते हैं उस पर लोग आते हैं तो उससे अर्निंग होती है, ये भी बिल्कुल चवन्नियों में होती है। तो इसके लिए भी आप ये ना समझे कि आपको करोड़ों लाखों रुपए मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब ये जितने भी पेड वर्क और ये और वो और आएगा सब कुछ, बहुत ज़्यादा आएगा। आप गूगल करके देखिए, आपको पूरी दुनिया में देखिए ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान ढूंढेंगे, आपको अरबों वेबसाइट्स मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा, मिलेगा सब कुछ, लेकिन उसमें से बमुश्किल 1% कोई ऐसा होगा जो शायद आपको कुछ वाकई में कुछ दे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ घर बैठ के काम करने का सही तरीका क्या है। ये सिर्फ एक ही चीज़ है, उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मतलब आपने घर बैठ के अपना हुनर बाहर वालों को बेचना है। ठीक है, मजदूरी करनी है एक तरह से, अपना एक दुकान खोलनी है छोटी सी, और उसमें अपना जो भी हुनर है, जो भी आपको ऑनलाइन डिजिटल कोई भी स्किल्स आती है, वो अपने ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो अभी आ रही है वेबसाइट्स, इनमें जाके अपनी छोटी सी दुकान खोलनी है, और वहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे बाहर के मुल्क के, जो उनको वो काम चाहिए होगा। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा बाहर रोडों पे अक्सर मजदूर बैठे हुए होते हैं, कोई पेंटर होता है, कोई कलर करता है, कोई घर बनाता है, कारपेंटर होता है, कोई इस तरह के होते हैं, वो वहाँ बैठे हुए होते हैं, जिनको जिसकी ज़रूरत होती है। अगर किसी को अपने घर में कारपेंटर की ज़रूरत है तो जाके उनसे पूछेगा, भाई आपका क्या रेट है, आप क्या करते हैं, कितने हिसाब से देते हैं। वो अपना एक दिन का रेट बताते हैं या घंटों का रेट बताते हैं कि भाई हम एक दिन के इतने लेते हैं, क्या करवाना है आपने। आप उससे बात करते हैं, हाँ भाई मुझे ये अलमारी बनवानी है और इसका कितने दिन में बनेगी और क्या हिसाब किताब होगा, तो वो बता देते हैं कि हाँ भाई हम अलमारी 2 दिन में बनाएंगे, हमारा एक दिन का ये हिसाब है, हम 2000 रुपये समझो एक दिन के लेते हैं, तो 2 दिन के आपके 4000 हो जाएंगे, तो आपकी चीज़ बन जाएगी। आप उससे बात कर लेते हो कि हाँ भाई कल आ जाना, इस जगह पर आ जाना और यहाँ पर ये चीज़ बनानी है। इस तरह से ही यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको अपनी एक छोटी सी दुकान खोलनी है, अपना काम उनको दिखाना है। ठीक है, और उनको अपना रेट बताना है कि भाई मैं ये काम इतनी देर में इतने टाइम में करता हूँ, आपको करवाना है तो बता दीजिए, जिसको ज़रूरत होगी वो आपके पास आएगा, बोलेगा भाई मुझे ये काम करवाना है, और आप करके दे दोगे नहीं करके दोगे, आपसे बातचीत होगी और वो फिर वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि हाँ भाई होगा नहीं होगा क्या होगा। तो ये एक तरह से आपका काम है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। मैं ऐसे ही आपको एक प्लेटफॉर्म खोल के दिखा रही हूँ ओपन करके, ये अपवर्क है। ठीक है, और अगर इसमें आपको कुछ सर्च करना है तो हम ऐसे ही कुछ लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल टैलेंट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर। ओके, ऐसे ही मैंने रेंडम कुछ भी लिख दिया। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए ग्राफिक डिजाइनर लिखा है, तो ये एक आपको प्रोफाइल दिख रही है, ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल है इनके आगे टॉप रेटेड लिखा हुआ है, यानी इन्होंने काफी सारा काम किया हुआ है तभी ये टॉप रेटेड की लिस्ट में है। ठीक है, ये टॉप रेटेड को चलो नहीं देखते, किसी न्यू बिगनर को देखते हैं। ये देखिए ग्राफिक डिजाइनर $25 per hour, एक घंटे का काम का $25 लेंगे। ठीक है, और अभी तक इन्होंने $10,000 अर्न कर चुके हैं, 78% जॉब सक्सेस है, यानी इस जगह से इन्होंने इतने कमा लिए हैं। ठीक है, और किसी को देखते हैं, किसी पाकिस्तानी को देखते हैं, तो सारे इंडियंस हैं आई गेस, अल्लाह करे कोई पाकिस्तानी मिल जाए प्रोडक्ट पे। चले इनको देखते हैं, शी इज अ फीमेल हिजरा, $15 per hour। ठीक है, देखते हैं क्या करती हैं ये बंदी, इनकी ये हमने प्रोफाइल खोली है, सियालकोट से हैं बंदी, और ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, UX UI डिज़ाइनर हैं, यानी ये मोबाइल पे जो आप देखते हैं ना सॉफ्टवेयर्स वगैरह, ये UX UI डिज़ाइनर्स होते हैं। ठीक है, जो थीम्स वगैरह देखते हैं, ये जो भी आप चीज़ें देखते हैं ना मोबाइल के लिए, ये टर्म होती है। फिर ब्रांडिंग, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट, ये सब करती हैं। ठीक है, इनकी ये पूरी एक प्रोफाइल है, इन्होंने अपने बारे में लिख दिया है कि मैं ये हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और इस तरह के सॉफ्टवेयर में मैं काम करती हूँ। और वर्क हिस्ट्री आपको ये दिख जाएगी, जिन्होंने इनसे काम किया हुआ होगा उन्होंने ये रिव्यूज़ दिए हुए हैं कि बंदी ने कैसे काम किया है, क्या किया है। ये रिव्यूज़ आपको काम मिलने के बाद जो आपके क्लाइंट्स होते हैं आप उनसे कह सकते हैं कि भाई हमारी प्रोफाइल पे जाके आप हमारे लिए रिव्यू कर। ठीक है, जाहिर आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको आप ये तो कह ही सकते हैं ना।
तो ये है इनका, देखिए 24 आवर से भी कम इनका रिस्पांस टाइम है। जितनी जल्दी आप अपने क्लाइंट को जवाब देंगे उतनी जल्दी आपको काम मिलेगा, वरना ये प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है लोगों से। अगर आप उनको एक दिन में जवाब नहीं देंगे तो आपको वो आपको छोड़ के किसी और को देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं भाई साहब किसी दूसरे की तरफ चलते हैं। ये है सोफिया यूक्रेन से, अवेलेबल नाउ $40 पर आवर। ये टॉप रेटेड को मैं नहीं देख रही, टॉप रेटेड बनने के लिए आपको कम से कम 20 साल भर अपना काम जम के करना पड़ता है, तब जाके आप टॉप रेटेड होते हैं। ये सोमिया मोरक्को $10 पर आवर। अब देख सकते हैं एक एक घंटे घंटों के हिसाब से यहाँ पे आपको काम मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं चलती हूँ किसी और पे, ठीक है, ये मैंने अपवर्क आपको जस्ट ऐसी दिखा दिया है। नेक्स्ट हम और कोई प्लेटफॉर्म देखते हैं। अपवर्क 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 ऊपर होगा, फाइवर होता है, हम फाइवर को देखते हैं। आपको मैं सिर्फ जनरली बता रही हूँ कि ये देखिए काम होता क्या है और इस काम को करना कैसे पड़ता है। ठीक है, फाइवर निकला था 5 से, ठीक है, $5 कम से कम इसमें आप अपना काम के रेट्स रख सकते हैं, तो ये फाइवर उस हिसाब से होता है। सही है, अब यहाँ पे भी अगर हम सर्चिंग पार में आते हैं और यहाँ पे कोई सर्च कर देते हैं, क्या लिखें यहाँ पे, नहीं लोगो, ठीक है, मैंने सिर्फ लोगो लिखा है। लोगो डिजाइनर्स भी हो सकते हैं, लोगो XYZ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ना पैसा बंद हो रहा है यार। ठीक है, लोगों के बहुत सारे इस पे आ जाएंगे। देखें लोगों के इस तरह से होते हैं, कोई लोगो डिजाइनर है, कोई दूसरे काम करता है, बहुत है इसमें। ठीक है, आई विल डिजाइन 3 मॉडर्न मिनिमलिस्टिक फ्लैट बिजनेस लोगोस, और इस तरह से अपना काम शो करवाना है कि आप किस तरह की चीजें बनाते हैं, ये वीडियो बना के या पिक्चर्स के साथ आपने अपना काम शो करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप रेट्स यहाँ पे आपको PKR में ही मिलेंगे। अगर आपने अपनी सेटिंग में डॉलर लिखा होगा तो डॉलर में भी आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन ये PKR मीन्स कि ये $5 के करीब ही है। ठीक है, 5 या 10 डॉलर के करीब इसमें कम से कम रेट होता है, ज्यादा से ज्यादा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। चले हम कोई देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये माही है, कोई कैनवा पे शायद चीजें बनाती हैं, कैनवा टीम्स केक्स। ठीक है, माही है टैलेंट, इनका ये 4.9 इनका रेट है, और ये देखें 5,813 रुपये लेती हैं ये। एक आई विल डू मॉडर्न HQ प्रीमियम बिजनेस लोगो, ठीक है, ये पैसों में नहीं आएगी, ये डॉलर में आएगी। जब बाहर के मुल्क का कोई ओपन करेगा तो उसके पास डॉलर में आएगी। हाँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान से इसको देख रही हूँ वेबसाइट को, तो मेरे पास खुद ब खुद वो पाकिस्तानी रेट में आ रही है। अगर मैं सेटिंग्स में जाके इसको डॉलर के रेट में करूंगी तो ये डॉलर के रेट में मुझे दिख जाएगा। ये सारे रिव्यूज हैं इसके, ठीक है, और ये सारी इसकी, ये यहाँ पे इसका ये देखे सारा कुछ दिया हुआ है, फ्रॉम पाकिस्तान कब से कर रही है, 2021 से कर रही है, 1 घंटा इसका रिस्पॉन्स टाइम है और लास्ट डिलीवरी 9 घंटे पहले की है। ठीक है, ये इस तरह के आपको गिग्स बनाने होते हैं, इसको कहते हैं गिग्स। ठीक है ना, ये जो प्रोफाइल आपने बनानी है इसको कहते हैं गिग्स। तो ये इस तरह की आपने प्रोफाइल बनानी होती है इन सब वेबसाइट पे, ये सारी समझ लें मार्केट है, ये सारा आपका मार्केट है। इसमें आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी, आप जो भी काम करते हैं उसको शो करना है, और जिसको जो जरूरत होगी वो आके आपसे बोलेगा हाँ भाई मुझे ये चीज चाहिए, कितने दिन में दोगे, बल्कि दिन वगैरह सब कुछ आपने बताया हुआ होता है, लेकिन जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, जाहिर है आपको क्या पता 1 घंटे में काम हो, क्या पता आपका 24 घंटे में काम हो, तो उस हिसाब से आपने उससे निगोशिएट करना होता है, बातचीत करनी होती है, और इस तरह से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अर्निंग का तरीका ये होगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट यहाँ डालना होता है। ठीक है, इन वेबसाइट्स पे जब प्रोफाइल बनाते हैं तो बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल्स डालनी होती है, तो जो भी बंदा यहाँ से आपका काम लेगा तो वो आपको उस जगह पे आपके अकाउंट में पैसे यही इन्हीं वेबसाइट से ट्रांसफर होंगे, वो आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये टोटली आपका कोई, आपने कोई फेस टू फेस डीलिंग नहीं करनी, आपने टोटली ऑनलाइन काम है ये। और इसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट, अब आप बोलेंगे मिस हमें ये सारे काम तो आते नहीं, हमें लोगो बनाना नहीं आता, हमें डिजाइनिंग करना, डिजाइनर नहीं है हम ये सारे डिजिटल स्किल्स कहाँ से सीखे। तो उसके लिए एक छोटी सी वेबसाइट है, छोटी सी तो नहीं खैर, काफी बड़ी है,
तो यहाँ पे डिजी स्किल्स पे फ्री कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक है ना। अभी इनके एडमिशंस ओपन थे, लेकिन माशाल्लाह से 10-12 दिनों में इनकी सीट्स, 3 लाख सीट्स थी जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ इसका मुंसलिक है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी ये मुंसलिक है। तो ये 2020 से लेके ये चल रहा है इनका, और ये 3 महीने के कोर्सेज करवाते हैं। 3-3 महीने में इनके एडमिशंस ओपन होते हैं। ये फ्रीलांसिंग है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसी तरह वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये सारे कोर्सेज ये लोग करवाते हैं जो आप वहाँ उन वेबसाइट्स पे बेच सकते हैं, ठीक है। ये सारी कोर्सेज अब इनकी एडमिशंस क्लोज हो चुकी है। 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर से शुरू हुई थी, और 12 दिनों में इनकी सारी सीट्स फुल हो चुकी थी। अब आप कहेंगे बस हम कैसे एडमिशन लें, अब हमें 3 महीने बाद इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं बेटा, आपको 3 महीने बाद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने इन सब में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। मैंने अपने 3-4 ID से मिला के इसमें एडमिशन्स ले लिए। अब मैं आप लोगों को यही सारे कोर्सेज अपने ग्रुप्स में सिखाऊंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों को यही चीज़ें जो ये सेंड करेंगे, वही चीज़ें मैं अपने ग्रुप्स में आपको दूंगी, और आपको एक तरह से एक मौका दे रही हूँ कि आप लोग कुछ सीख लें। जब सीखेंगे, 3 महीने ये चीज़ें करें, सीखें, उसके बाद मज़ीद 3 महीने इसकी प्रैक्टिस करें, और जो जो आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उसको अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, यानी अपने पास एक जगह पे सेव कर लें। आपका पहला काम बिल्कुल ही समझ लें बेकार टाइप का होगा। जिस तरह हम ड्राइंग करते हैं, पहली ड्राइंग हमारी बहुत बेकार होती है, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता हम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एक वक्त आता है हम किसी अच्छे पेंटर और ड्राइंग आर्टिस्ट जैसे बन जाते हैं और वैसा काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आप जब प्रैक्टिस करेंगे, 3 महीने इसको सीखें, और 3 महीने आपने इसको प्रैक्टिस करनी है पूरे, आपने कम से कम अपनी ज़िंदगी के 6 महीने एक चीज़ को देने हैं, तो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपको अच्छी चीज़, अच्छे ऑफर्स आएंगे, ठीक है। अभी आपने देखा वहाँ कितने लोग कमा रहे हैं, किस किस रेट पे कमा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएं, वैसे वैसे अपनी चीज़ वहाँ अपनी प्रोफाइल में डालते जाएं, जो अच्छी चीज़ बने वो डालती जाएं। प्रोफाइल तो बना लें आप, साथ के साथ ही बना लें, लेकिन उसको इन्हेंस करते रहें, उसको एडवांसमेंट लाते रहें, उसमें अपनी चीज़ें अच्छी अच्छी ऐड करते रहें, ताकि जब लोग देखें आपकी प्रोफाइल को, तो उनको पता चले कि हाँ भाई ये काम तो बड़ा अच्छा करता है बंदा, तो वो फिर आपको अप्रोच भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी मेरी इंफॉर्मेशन थी आपको। अगर इनमें से कुछ भी काम सीखना है, कोई भी स्किल सीखनी है, तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कम्युनिटी ग्रुप है, वहाँ पे जाके आप जब आप देखेंगे तो इन सारे स्किल्स के अलग ग्रुप बने हुए हैं, उन पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर से ये क्लासेस स्टार्ट हैं, तो नवंबर से ही मैं वहाँ सारी चीज़ें शेयर करने लग जाऊंगी। जब वो जो जो जिस तरह से इस जगह आएगा, वही मैं वैसे ही शेयर करूंगी। अब लास्ट में क्या होगा, इनका हर महीने का क्विज होते हैं, टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, वो आपको करने होंगे। जाहिर है वो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। माना आपने यहाँ जमा नहीं करवाने, मैं ही जमा करवाऊंगी अपने करके, लेकिन आपकी भी प्रैक्टिस होगी साथ के साथ। और आखिर में जो सर्टिफिकेट मिलेगा, हर एक को सर्टिफिकेट मिलता है, तो जो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं उसको आपके नाम के साथ कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ करके आपको वो सर्टिफिकेट दे दूंगी। वो डिजी स्किल का ही सर्टिफिकेट होगा, ठीक है ना। तो आपके पास एटलीस्ट एक चीज, एक सर्टिफाइड एक कोर्स हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका वो हुनर, स्किल में महारत आती है, ठीक है। ये काम आपने करना है भाई, प्रैक्टिस मैं नहीं करवा सकती, मैं आपकी सिर्फ इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि आपको चीज़ें सिखा सकती हूँ। आगे आपकी मर्जी है, आपने उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना, वो आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से करना है। बाकी मैंने आपको तरीका सीधा बता दिया है, ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ इसी तरह से हो सकती है, और किसी भी तरह नहीं होगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ज्वाइन करना है तो नीचे ग्रुप की लिंक है, कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप अपने इसको कोर्स में, जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है, उसमें जाके ज्वाइन कर लें, ग्रुप ज्वाइन कर लें बस, और कुछ नहीं करना आपने। बाकी काम मेरा, मैं आपको जब स्टार्ट होंगे तो मैं आपको सही चीज़ें मुहैया करूंगी, वीडियोस होंगी या जो भी काम PDF वगैरह होंगे, वो मैं आपको चीज़ें शेयर कर दिया करूंगी। अब उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। हर महीने जो उसका क्विज होगा वो भी आपको शेयर करूंगी, वो भी आपने मुझे सबमिट करवाना है करके कि हाँ मिस हमने ये कर लिया है, ताकि मुझे भी पता होगा कि हाँ मेरे पास जितने स्टूडेंट हैं वो एक्चुअली में सीख रहे हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना मेरा ये काम मैं खुद भी कर सकती थी, अकेले भी कर सकती थी। मैंने सोचा चलें 4 लोग साथ मिलकर जब काम करते हैं ना, तो काम करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये है मेरा मोटिव। अब आपको अगर अच्छा लगे तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।